नमस्कार, किरदार के नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं बद्रवास्ती। दोस्तों, कहने को नारी एक शक्ति है और वास्तव में है भी, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो बात कुछ और है। जहां तक हिंदी सिनेमा और नारी की बात है तो ये एक अपने आप में चर्चा का विषय है। सिनेमा के माध्यम से जो महिलाएं सामने आई हैं वो सिर्फ अदाकारा के रूप में सामने आई और उन्हीं की ज़्यादा चर्चा रही है। उन महिलाओं की बहुत कम चर्चा हुई, उनके बारे में बहुत कम बात हुई सिनेमा के माध्यम से, जिन्होंने इस दुनिया में यानी सिनेमा की दुनिया में कुछ अलग रास्ता अपनाकर अपनी एक पहचान बनाई। हमारे आज का जो किरदार है वो एक ऐसी ही महिला है जिन्होंने भोपाल से अपने एजुकेशन की शुरुआत की, यहीं एजुकेशन कंप्लीट की और टीचिंग से अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की। उसके बाद विभिन्न कला माध्यमों में उन्होंने रुचि ली, खासतौर से संगीत में उनकी रुचि ज़्यादा रही और उसके बाद फिर वो यहाँ से बॉम्बे चली गई और फिल्मी दुनिया में अपना एक मुकाम बनाने की कोशिश उन्होंने शुरू की और उस कोशिश में वो कामयाब भी रही। उन्होंने 3 फिल्में प्रोड्यूस की और उन 3 फिल्मों को वो थिएटर तक लेकर आई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और जिसके लिए वो बधाई की पात्र भी है। फौजी अर्शी साहिबा, हम किरदार के इस एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत मसरूफ वक्त में से कुछ वक्त हमको दिया है। हमारे देखने वालों के लिए आपने बहुत सारा वक्त हमको दिया क्योंकि आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे फील्ड्स में आपने काम किया है और बात यह भी है कि लगातार आप काम कर रही हैं और अब मैं देख रहा हूं कि आप फिल्मी दुनिया के फलक पर एक नए चांद के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं, जिसके लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ हैं। तो आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि फिल्म प्रोडक्शन किया जाए, ये अचानक हो गया या फिर किसी ने ऐसा करने को आपसे कहा था? तकरीबन 2004 में या 5 में मैं बॉम्बे जी, उससे पहले मैं यहाँ अपना कुछ दूसरा काम करती थी। मेरा एक इंस्टीट्यूट था, मैं कॉलेजेस में पढ़ाती थी जी, जी। लेकिन फिर अचानक मुझे लगा कि भोपाल के बड़े तालाब का जो पानी है वो उसमें जितना भी था वो सब खंगाल लिया तो अब जाके ज़रा समंदर को खंगाला चाहिए। क्या बात है, क्या बात। तो अब इसलिए हम यहाँ से हमने अपने वालदेन से इजाज़त ली और हमने कहा कि अब हमें जाने दें और हमारे हिस्से का जो आसमान है अब वो बम्बई में है जहाँ हमें उड़ाने भरनी है। वाह वाह, यहाँ अब हम मतलब अब ये छोटा पड़ता है जी जी जी। तो और फिर मैं वहाँ बम्बई में जाके मैंने अपना काम शुरू किया, मैंने एक म्यूज़िक कंपनी शुरू की जी। और पहले तो मैंने सिर्फ वहाँ के लोगों को समझा 2-4 महीने की क्या माहौल है, क्योंकि मैं बिज़नेस पढ़ाती थी, मैनेजमेंट पढ़ाती थी, तो ये उसका एक हिस्सा है कि जब आप कोई काम करने जाते हैं, नई जगह जाते हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप उस जगह के मिजाज को समझें। क्या बात। जैसे आप किसी से रिश्ता जोड़ने जाते हैं तो आप उसके बारे में पूरी तरह से पता करते हैं फिर रिश्ता जोड़ते हैं, तो वही मैंने भी किया। मेरे लिए बॉम्बे एक पर्सनालिटी है जी। एक पर्सनालिटी, एक आइडेंटिटी है। सो उसको मैंने पूरा समझा कि यहाँ के मिजाज क्या है, लोग कैसे हैं, मौसम कैसा है, यहाँ काम करने के तरीक़े कैसे हैं। और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यहाँ अपना काम शुरू करना होगा ख़ुद, मुझे यहाँ काम मांगना नहीं है। यहाँ पे मांगना तो मतलब भोपालियों की शान के ख़िलाफ़ है। बम्बई जाके म्यूज़िक कंपनी मैंने ज़रूर शुरू की क्योंकि और कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आया। ऑनेस्टली मैं वहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी। सबसे अच्छा आपको क्या करना लगता है? मैंने कुछ किताबें लिखी हैं जी वास्ती सर, और किताबें जो हैं उसमें से एक किताब मैंने लिखी थी जो कि एक टेक्स्ट बुक है, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट जी। अच्छा। और ये 2009 में पब्लिश हुई थी और उस वक्त पब्लिश हुई थी जब इस सब्जेक्ट पे कोई और इंडियन ऑथर नहीं था। अच्छा। क्योंकि जब मैं MBA कर रही थी
तब भी इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट पे कोई किताब नहीं थी, और जब मैं MBA में पढ़ा रही थी तब भी कोई किताब नहीं होती थी, हमें वही फॉरेन राइटर्स को पढ़ना पड़ता था। अच्छा, फॉरेन राइटर्स की ज़बान बहुत मुश्किल होती थी, जो इंडियन बच्चों को समझना ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट हिंदुस्तानी सब्जेक्ट नहीं था, ये अमेरिका से आया था। फिलिप कॉटलर इसके मतलब फादर हैं मैनेजमेंट के, कहा जाता है। तो फिर मैंने इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक को लिखा, कंपाइल किया, और वो फिर यहाँ पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है एज अ टेक्स्ट बुक। उसकी जो खुशी है मुझे वो मैं बयान नहीं कर सकती। वो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसको सोच के मुझे अपने आप में फ़ख्र महसूस होता है। फिल्म अभी तक मैंने ऐसी कोई नहीं बनाई जिसको मुझे सोच के फ़ख्र महसूस हो। आगे आने वाली फिल्में बनाऊंगी, शायद उनमें से कोई एक ऐसी फ़िल्म बन जाए जिससे मुझे अपने आप पे नाज हो कि मैंने कुछ अच्छा किया। मेरा ताल्लुक़ तो पढ़ाने लिखाने ही से था, मैं कई सारे कॉलेज तो बस वही मुझे आता भी था, वो हुनर था। अच्छा, गाने का शौक़ जैसे आपने कहा म्यूज़िक का, लेकिन गाने में या सिंगिंग में अपना करियर मुझे बनाना ये मैंने कभी नहीं सोचा। वो म्यूज़िक मेरे लिए एक मेरा शौक़ है, मेरा एक पर्सनल हॉबी तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी है। क्या बात? तो मैं उस ज़िंदगी को आम नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसको अपने लिए बचा के रखा। सोल पर, आर्टिस्टिक शख्सियत पर वो हावी रहा, एंटरप्रेन्योर वाला जो एक हिस्सा था। तो मैं हमेशा यही सोचती रही कि बिज़नेस कहाँ से हो सकता है, काम कहाँ से हो सकता है, कहाँ से अर्निंग हो सकती है, क्योंकि बचपन से ही हमें शौक ये हो गया था कि अपने ही पैसे कमाने। तो फिर एक 2008 में या 9 में मैं यहाँ भोपाल आई हुई थी, और मेरी मम्मी वालदा जो है टीवी देख रही थी, कोई फिल्म आ रही थी राजेश खन्ना की। तो मम्मी कहने की, गाना मुझे बड़ा पसंद है और ये फिल्म तो बहुत अच्छी है, ये कभी देखी नहीं। तो मैंने कहा कि हाँ मम्मी अभी देख। कहते क्यों, तुम क्या कभी फिल्म नहीं बना सकती? अच्छा। तो हमने कहा, अरे भाई ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल फिल्म बना सकते हैं। तो कहने की, तुम फिल्म बनाओगी? मैंने कहा हाँ बनाऊँगी, बिल्कुल बनाऊँगी, बना लेंगे जी। तो बस हमने यूँ कह दिया कि बना लेंगे। और वो कब वो चीज़ अपने आप रास्ते बनते गए और अच्छे लोग मिलते गए, और वो कब हमने एक फ़िल्म, जिस दिन हमने अपनी एक पहली फ़िल्म अनाउंस की, तो उस वक्त मम्मी तो नहीं थी वो देखने के लिए, लेकिन मुझे वो लम्हा याद आया, मैंने कहा कि मैंने एक वादा और पूरा किया। क्या बात? मैंने बहुत सारे वादे पूरे किए जो मैंने अपनी मम्मी से किए थे, और वो भी एक वादा। फौजी अर्शी साहिबा, फिल्म प्रोडक्शन अपने आप में एक बड़ा पेचीदा काम है और जोखिम भी इसमें बहुत है, ख़ासतौर से जब कोई फीमेल या महिला जब फिल्म प्रोडक्शन करती है, तो ऐसे हालात में ये फिल्म प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हुआ? अब बदर साहब, एक तो मैंने कभी अपने आप को मेल और फीमेल के दायरे में नहीं रखा। मैं समझती हूँ जब आप घर से निकलते हैं तो अपना वो हिस्सा घर छोड़ जाना चाहिए। बहुत अच्छा। कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। आई वॉज ऑलवेज अ प्रोफेशनल, आई बिहेव्ड लाइक अ प्रोफेशनल, और मैंने मेरा ये जो बिहेवियर था इसी ने, ये मेरी सक्सेस का एक हिस्सा है, और जो लोग मुझसे कनेक्ट होते गए वो उसका भी ये एक हिस्सा है कि लाइक देवर मीटिंग अ प्रोफेशनल, देवर नॉट मीटिंग अ वुमेन। तो मुझे कोई बहुत दिक्कत नहीं आई, मतलब जो दिक्कत एक प्रोफेशनल को आ सकती है, जो दिक्कत आपको आ सकती थी, या जो दिक्कत किसी भी एक मेल को आ सकती थी, उतनी ही दिक्कत मुझे भी आई। बीइंग अ फीमेल आई विल रियली से कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आप खुश नसीब हैं इस मामले में कि आपने उस तरह से बिहेव किया और आपको रास्ते भी मिलते चले गए आपके लिए। बस अब यहाँ पे आपने ये सवाल नहीं पूछा, लेकिन मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो भी लोग सुन रहे हैं मुझे यहाँ, और ख़ासतौर से जो फीमेल्स मुझे सुन रही हैं, ये आप ही के हाथ में होता है जी, ये एक औरत के हाथ में होता है कि वो अपने आप को किस तरह से दिखाना चाहती है, ये उसी के ऊपर डिपेंड होता है।
और जब आप काम करने निकलते हैं तो काम करने के कुछ आदाब होते हैं। वाह। उन आदाब को अगर आप समझ लें और आप और देखिए, कोई भी काम जो है ना, वो एक कोई भी प्रोफेशन मैदान जंग से कम नहीं होता। तो यू हैव टू बिकम अ सोल्जर, यू हैव टू बी रेडी विथ एवरीथिंग एंड यू हैव टू बी व्हाट यू आर। आपको वही दिखाना चाहिए जो आप हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो जब आप उस बैलेंस में रहते हैं तो आप सिवाय कॉन्फिडेंस के और कुछ होता ही नहीं। बहुत कॉन्फिडेंस जो है बस वही सक्सेस। जी जी, हमें समझौता नहीं करना, हमें दुनिया को अपने हिसाब से चलाना है। मिला तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो फिर हम फौजी आशी बनते हैं। जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। जी बिल्कुल, वो है आपके साथ। और मैं हमेशा जिंदगी अपनी शर्तों पे जी, जी, जी मैं जी। कहीं मतलब अगर मुझे चाय भी पीनी है तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई लिव एंड आई ड्रिंक टी द वे आई वांट। बहुत अच्छा। अच्छा, फिल्म प्रोडक्शन के आपके, देखिए एक वो था वहाँ तक प्रोडक्शन तक पहुँचना जी, और फिर फिल्म प्रोडक्शन के एक्सपीरियंस कुछ अलग रहे होंगे। उस वक्त लगता था मुझे मुश्किल, लेकिन अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी का एक हिस्सा था और वो बड़ा नेचुरल था। मतलब उसमें कोई बहुत ह्यू एंड क्राई की ज़रूरत नहीं है। माई मदर वॉज़ अ टीचर इन अ स्कूल, वो मैथमेटिक्स पढ़ाती थी और बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी और बहुत स्ट्रिक्ट मदर भी थी वो। तो और हमारे घर में कोई फिल्म का और इसका माहौल नहीं था। बदर साहब, हमारे घर में कोई फिल्म की मैगजीन भी नहीं आ सकती। क्या बात। मतलब माई फादर वॉज सो स्ट्रिक्ट कि ही वर्क विद सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट। तो बट ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन, वेरी हम्बल, वेरी वर्सटाइल और बहुत काबिल इंसान है। बहुत ही मतलब उनको उर्दू, फारसी, हिंदी, अंग्रेज़ी और भी मज़ीद ज़बानों पे उनको महारत हासिल है। बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज क्लियर इन हिज थाट्स कि ये करना और इन करना। तो हमारे घर में कोई भी मैगजीन, फिल्म की मैगजीन नहीं आती। अच्छा, हम लोग किसी एक्टर की भी बात नहीं कर सकते थे घर में आपस में। कि हमने कह दिया करे वो दिलीप कुमार की फिल्म अच्छी आ रही है, मतलब टीवी पे आ रही है फिल्म, तो चुपचाप देखें और किस्सा ख़त्म करें। मतलब वहाँ डिस्कशन नहीं होना चाहिए। जब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी अब मुझे बॉम्बे जाना है, तो लाजमी था, एक जलजला तो आया। और उस जलजले में माय फादर, माय ब्रदर, ऑल दीज पीपल वर मतलब ये दे वर अगेंस्ट के मतलब हाउ कैन यू डू दिस, तुमको क्या आता है, हाउ विल यू गो, किसको जानती हो तुम बम्बई में और जाके क्या करोगे। तो हमने मम्मी से कहा, मैंने कहा देखिए क्या है, एक बार मौका ज़िंदगी में सबको मिलना चाहिए, ठीक है ना। और हमने अपने आप को प्रूव कर दिया यहाँ आपके सामने शहर में। यू वॉन्ट मोर प्रूफ्स, आई एम रेडी टू गिव, बट वक्त भाग रहा है जी, एंड लेट मी लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट। एंड मैंने उनसे वादा किया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपका सर झुकेगा। माई मदर वॉज एन एक्सेलेंट वुमन, मतलब उन्होंने मेरी इस बात को समझा और मैंने भी अपना वादा निभाया और उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने मुझे कहा, सबके खिलाफ होने के बावजूद उन्होंने कहा आप जाओ एंड आप चलिए। लेकिन फिर भी एक, क्योंकि फिल्म एक टेक्निकल मीडिया है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमारा पाला कभी पहले पड़ा नहीं होता, उसके लिए कहीं से आपने कोई ट्रेनिंग की या? नहीं बदर साहब, मुझे ज़िंदगी ने ही ट्रेन किया है। मेरी 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 गाइड ज़िंदगी है और ज़िंदगी से ही मैंने सब कुछ सीखा है। और मैंने आपसे बताया ना कि जब मैं 2005 में बम्बई गई तो मैंने म्यूज़िक कंपनी शुरू करी। वो म्यूज़िक कंपनी धीरे धीरे बढ़ते 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 वो एक प्रोडक्शन हाउस में तब्दील हो गई। तो इट वॉज अ देर वॉज अ जर्नी वेर इन आई लर्नड। मैं लोगों से मिलती थी, अच्छे बुरे लोग मिलते थे, कई सारे ऐसे फाइनेंशियल धोखे हो जाते थे, अच्छे लोग भी मिल जाते थे। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा और उस चलते चलते में हमने बहुत कुछ सीखा। पहले हम छोटे छोटे वीडियोस बनाए हमने, जैसे वो जो मैंने म्यूज़िक कंपनी शुरू की थी उसका नाम था ए म्यूज़िक, ए फॉर ए में। तो वो उसमें मैंने युक्तामुखी मिस वर्ल्ड को मैंने लॉन्च किया
और वो उनका डेब्यू वीडियो था। तो यहाँ से वो सिलसिला शुरू, और वो ट्रेनिंग में कहूँगी कि वो ट्रेनिंग में वहाँ से हासिल करती रही अपनी, मैंने उसको कि किस तरह से दूसरे लोग काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, हालांकि हम तो खुद ही करने लगे थे पहले दिन से। कर आप करते रहें काम, तो आप सीख जाते हैं खुद, यू डोंट नीड एनीबडी। आपने फिल्म प्रोडक्शन के और फिल्म मेकिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो हैं, बहुत सारी पहलुओं को समझ लिया है। जी हाँ। तो अब जो आप फिल्म प्रोड्यूस करती हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा कौन सा काम करना उसमें पसंद होता है? कैमरा ऑपरेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग वगैरह वगैरह? काम सभी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे एडिटिंग भी आती है, मुझे कैमरा ऑपरेट करना भी आता है, मुझे लाइक आई नो एवरीथिंग। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपर्टाइज होते हैं जी, है ना, एक कैमरामैन होता है, एक डायरेक्टर होता है, लेकिन ये हर एक डायरेक्टर को, हर एक फिल्म मेकर को ये सब कुछ आना चाहिए। मैं नहीं जानती कितने लोगों को आता है, मुझे सब कुछ आता है। और वो मैंने इसलिए सीखा कि जब मैं किसी से करवाऊँ तो मुझे दिक्कत ना हो, और सामने वाला ना मुझे बेवकूफ़ बना सके, ना मैं बेवकूफ़ उसके सामने साबित हूँ कि यार मुझे तो पता ही नहीं है, तुम कर दो। तो आई डोंट डिपेंड अपॉन पीपल। मैं डिपेंडेंस जो है ना वो मैं बहुत बहुत मिनिमम रखती हूँ किसी पे। मान लीजिए मेरा एडिटर नहीं आया, अब मैं बैठी हुई हूँ, मेरा मतलब नुकसान हो रहा है जी, मैं खुद उसको कर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी जो पूरी सारी बात की हमने, जिस वजह से की जी, आपने 3 फिल्म जो है प्रोड्यूस की हैं और वो रिलीज भी हो चुकी हैं, कौन कौन सी फिल्में थी और उसमें क्या क्या आपने की? जी पहली फिल्म मैंने जो प्रोड्यूस की थी उसका नाम है फैट सो। एक मोटे से लड़के की कहानी। अच्छा अच्छा। और फैट सो इट्स एन इंग्लिश वर्ड। और इस फिल्म को कई अवार्ड मिले इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जी, और क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म है ये। इसको डायरेक्ट किया था रजत कपूर ने, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं रजत कपूर, और उसमें गुल पनाग, रणवीर शोरी और नील भोपालम, ये एक बुराई था। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल फिल्म। एंड देन दूसरी मेरी फिल्म मैंने अनाउंस की थी उसके बाद 2015 में या 14 में, एंड दैट वाज भैया जी सुपर हिट। अच्छा। उसमें सनी देओल और अरशद बारसी और प्रीति जिंटा, ये तमाम लोग उसमें थे। वो रिलीज़ हुई 2018 में, दिसंबर 2018 में रिलीज़। वो उसको बनने में ज़रा वक्त लगा, उसमें भी मैंने, उस फिल्म को भी मैंने प्रोड्यूस किया है। और एक फिल्म भैया जी सुपर हिट से मैंने पहले बना के रिलीज़ की, दैट वाज हो गया दिमाग का दही, वाज अ कॉमेडी फिल्म। हाँ, तो वो मैंने 2015 में रिलीज़ की थी, और जिसको डायरेक्ट भी मैंने किया था और प्रोड्यूस मेरी कंपनी ने की। तो अब आपने इतना सारा काम कर लिया है और लगातार काम कर भी रही हैं जी, अब आने वाले वक्त में कौन से प्रोजेक्ट आपके लाइनअप? जी बस मैं मेरी 3 फिल्में जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, और मैं उन्हीं पे काम कर रही हूँ। अब ये चूँकि ये वक्त ऐसा हिंदुस्तान पे आ पड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया पे, कि पूरी दुनिया इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, तो हमारी इंडस्ट्री भी उससे बहुत इफ़ेक्टेड है। अच्छा, अब हमारे यहाँ नए मीडियम्स आ गए हैं, वेब सीरीज़ और सब इंटरनेट मीडियम आ गए हैं, तो इट विल बी अनदर चैलेंज। अब ये एक अलग चैलेंज होगा कि जिनको फीचर फिल्म्स बनाने की आदत है, जो वही लार्जर देन लाइफ सिनेमा, ऐसा ना करना पड़े आई प्रे, क्योंकि फिल्म मेकिंग तो वही लार्जर देन लाइफ सिनेमा है। एक आध साल तो मेरी फिल्म को भी शूट होके और थिएटर्स में आने में टाइम लगेगा, इट विल टेक अ ईयर। तो यस, तो आई हैव दीज 3 प्रोजेक्ट्स विद मी। अच्छा, आपका ताल्लुक भोपाल से है जी, और इश्क भी भोपाल से है, ऑफ कोर्स, है कि नहीं? यस। तो भोपाल को लेकर कोई प्रोजेक्ट है, कुछ आपने सोचा है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज बिखरी हुई हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स बिखरे हुए हैं। भाई साहब, मैं इतनी इंस्पायर्ड हूँ भोपाल के रूलर्स से, मतलब बेगम्स ऑफ भोपाल जी इज़ वन ऑफ माय ड्रीम प्रोजेक्ट, और वो मेरा फीचर फिल्म प्रोजेक्ट नहीं है, वो मेरा वेब सीरीज़ प्रोजेक्ट। अच्छा। यस, उसके लिए मैं वेब सीरीज़ बना रही हूँ, मेरे राइटर्स बैठे हैं उसमें काम कर रहे हैं बहुत अरसे से,
तकरीबन साल भर तो हो गया हम लोगों को उस पर काम करते हुए, और वो मेरा एक ट्रिब्यूट होगा, ये मेरा एक थैंक यू होगा भोपाल के लिए कि भोपाल की जो बेगामात रही हैं उनका काम देखिए आप, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, क्या विजनरी औरतें थीं वो, वुमेन एम्पावरमेंट यहीं से शुरू हुआ था। आप आगे बढ़ाना कि चाहते किस हैं। तो सुल्तानिया स्कूल में एक जब उन्होंने जो शुरू किया था उसका इंटेंशन ये था कि वहाँ लड़कियों को कारपेंट्री सिखाई जाए, उनको सिलाई कढ़ाई के अलावा भी उनको एनीथिंग टू डू विथ कार्विंग, एनीथिंग टू डू विथ, तो लेडीज क्लब भी कायम किया था। यस, लेडीज क्लब। और इसके अलावा वो यहाँ पर जो परी बाजार जिसमें सिर्फ महिलाएं होती थी हाँ। दुकान भी महिलाएं लगाती थी और खरीदार भी महिलाएं होती थी, ऐसी नुमाइश होती थी बाबे अली में और परी बाजार से। तो वो जो बेगम्स थी दे वर अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ डिग्निटी एंड फैशन एंड फॉरवर्डनेस एंड पावर। ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, तो वो मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग ये हैं। तो मैं वो ये प्रोजेक्ट वेब सीरीज़ के तौर पे एक करना चाहती हूँ, बल्कि कर रही हूँ। एक ऑफ बीट सिनेमा है, यथार्थवादी सिनेमा जो है उसकी कमी आपको अभी महसूस होती है, या ये जो फिल्में अभी बन रही हैं वो ठीक ठाक हैं, बन चलने दें इसको? देखिए, कंटेम्प्रेरी सिनेमा इज द नीड ऑफ द टाइम। कुछ फिल्में बनी हैं बहुत अच्छी बनी हैं, जैसे मेरी जो फिल्म थी फैट्सो, वो बहुत रिकग्नाइज मार्केट में नहीं हुई। अच्छा। बहुत फेमस नहीं हुई वो, क्योंकि वो एक ऑफ बीट सब्जेक्ट था जी। मुझे लगता है कि कमी तो बहुत है इस वक्त बहुत अच्छे सिनेमा की, अच्छा बन भी रहा है, लेकिन जो नहीं बन रहा है छोटे स्केल पे, उसका रीज़न ये है कि जो लोग फ़िलहाल इंडस्ट्री में मौजूद हैं उनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, उनको सिर्फ फिल्म बनानी है क्योंकि फिल्म से पैसा कमाया जाता है। फिल्म पैसा कमाने का मीडियम नहीं है, पहले तो आई शुड से दिस, फिल्म एक जुनून का काम है। हाँ, वो जुनून अगर आपका सही निशाने पे बैठता है तो फिर पैसों की बारिश होती है, क्योंकि फिल्म प्रोडक्शन की बात चल रही है और कंटेम्प्रेरी सिनेमा और सब चीज़ की बात चल रही है, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्क्रिप्ट की और अच्छे राइटर्स की कमी है। मैंने कहा ना आपसे, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स का तो अकाल पड़ गया है हिंदुस्तान के अंदर भी। मुख्तलिफ किस्म की फिल्में बनती हैं और कई हमारा जो खासतौर से रीजनल सिनेमा है जो लिंग्विस्टिक सिनेमा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप में। यहाँ पर खासतौर से मैं साउथ का जो सिनेमा है उसमें जो एक स्टोरी लाइन चलती है और कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट से जुड़कर वो लोग जो चलते हैं, उसके मुकाबले में हमारा हिंदी सिनेमा कहाँ है? दोनों मुख्तलिफ सिनेमा है, उसका मिजाज अलग है, इसका मिजाज अलग है। उसका रीज़न ये है कि हम लोग हिंदुस्तान वो भी है, हिंदुस्तानी भी जी, है जी। लेकिन ज़बानों का फ़र्क है और कल्चर का डिफरेंस है, यही उसकी खूबसूरती है। तो मोनोटनी नहीं है यहाँ की और साउथ की फिल्मों में। पिछले 5-6 सालों में हिंदी सिनेमा ने अपने हिंदुस्तानियत को छोड़ दिया है। क्या बात। और वो इस वक्त साउथ इंडिया की फिल्मों में 100% पाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। वो सोसाइटी का आईना है, अब भी हिंदी सिनेमा सोसाइटी का आईना नहीं बचा। बिल्कुल। तो एनीथिंग विच इज़ इंडियन विल ऑलवेज गो ऑन। ये वक्त है, लोग बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वक्त है, आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन जो हमारा जो सोल है वही रहने वाला है हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में। अभी रियलिस्टिक सिनेमा बहुत बढ़ रहा है, मतलब बायोपिक्स बन रही हैं, अभी बायोपिक्स का दौर है तो अच्छा है। बायोपिक्स तो मतलब चूँकि हिंदुस्तानियों की बायोपिक्स बन रही हैं तो वो हिंदुस्तानी कल्चर है उसमें, लेकिन हाँ कमी है। साउथ इंडियन मूवीज़ आर बेटर मूवीज़, हिंदी सिनेमा उनको आजकल कॉपी करता है, इसीलिए कॉपी करता है कि वो वहाँ हिट हो जाती हैं, तो वो एक ट्रायल हो गया हिट का, तो उस हिट फार्मूला को वो हमारे हिंदी सिनेमा वाले जो हैं कॉपी करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक हमको बड़ा ओरिजिनल रहना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए, हमारे यहाँ रिस्क नहीं लेते हैं आजकल। आपको पता है सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है ज़िंदगी में? रिस्क ना लेना। क्या बात।
इससे बड़ा कोई रिस्क ही नहीं है. दे शुड टेक रिस्क एंड दे शुड मेक इंडियन सिनेमा बिकॉज वी आर इंडियंस, वी विल ऑलवेज लाइक दैट. वो जब तक सीटियाँ ना बजे और जब तक वो चिल्लर ना फेंकी जाए. बम्बई में चंदन सिनेमा होता था, इस साल वो ख़त्म कर दिया गया. अच्छा, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि उसको तोड़ दिया गया. उसमें फिल्में आज भी वो हाउसफुल रहता था वो. अच्छा, जिस दिन तोड़ा है उसके चार दिन पहले भी जो है वो सिनेमा जो है, सिनेमा हॉल जो है हाउसफुल रहा है. अच्छा, अच्छा. उसको क्यों उन्होंने डिमोलिश करके और वहाँ मॉल वॉल बना रहे हैं आई डोंट नो, बट ये अभी भी है. अगर फिल्में वैसी बनेंगी तो, बट यस, साउथ इंडियंस आर डूइंग प्रिटी वेल फ्रॉम दी. हाँ, आपके कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान जो है हमारा कथा कहानियों का देश है. कदम कदम पर किस्से, कहानियाँ और बहुत दिलचस्प कैरेक्टर्स भी बिखरे हुए हैं. बहुत सारे किरदार हमको हिंदुस्तान में हर शहर में, हर कल्चर में, समाज में मिलते हैं. ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको तलाश करके दुनिया को दिखाएँ, दुनिया तक उसको पहुँचाएँ. चलिए साहब, हम दुआ करते हैं कि आप बहुत जल्द कुछ ऐसा काम करें कि जिस पर न सिर्फ ये कि आपको नाज हो, आपको फख्र हो, बल्कि आपके तमाम दोस्तों को, आपके ख़ानदान वालों को, आपके शहर वालों को उस पर नाज हो और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को भी उस पर नाज हो. आप एक ऐसा काम करें. और दोस्तों, हमारा जो चैनल है वो किरदार है और उसमें हम ऐसे ही समाज में जो किरदार हैं जो कि बहुत स्ट्रगल करके, हालांकि स्ट्रगल शब्द अभी फौजिया जी ने ये कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोशिश करके, उनके अंदर एक चाहत थी, उस चाहत को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की, जद्दोजहद की और आज किसी मुकाम की तरफ वो जा रहे हैं. हम ऐसे बहुत सारे किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ फौजिया अर्शी साहिबा थी, जिनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं और इनको हम आप की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं. दुआ करते हैं कि ये उस मंजिल को बहुत जल्दी हासिल करें जिसका इन्होंने ख्वाब देखा है, जिसकी इन्होंने तमन्ना की है. हम फौजिया अर्शी साहिबा से और आपसे इजाज़त लेते हैं कुछ इस तरह कि तुम्ही से हमने सीखा ज़िंदगी आसान रखना है. तुम्ही से हमने सीखा ज़िंदगी आसान रखना है, कहाँ खिड़की लगाना है, कहाँ गुलदान रखना है. बहुत शुक्रिया वासी साहब. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अनिल जी का जो इस चैनल को ओन करते हैं, और बहुत अच्छी उनकी ये कोशिश है, किरदार जो आपने कहा, और मुख्तलिफ लोगों को बुला के उसमें बातचीत करें. थैंक यू. ही पहलू में बैठे रहूं, जाने जा